हम मुख्य धारा से जुड़कर हम अपने अपने समाज को एक ऐसी दिशा और इस दशा दें ताकि आने वाली पीढ़ी इस मुख्य धारा से जुड़ सके। हमारी मेवाड़ की धारा वास्तव में एक सराहनीय है, एक पूजनीय है। इसमें संक्षिप्त में एक छोटे से प्रेरित प्रश्न से मैं आपका संदेश पहनना चाहता हूँ कि अमेरिका का राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति जब अब्राहम लिंकन भारत के दौरे पे आया तो उनकी माँ से पूछा कि माता जी, मैं भारत के दौरे पे जा रहा हूँ, आपके लिए मैं क्या लाऊं? तो देखिए उस माँ का क्या शब्द थे। उस माँ ने कहा कि वीर भूमि, मेवाड़ की वीर भूमि और वहाँ पे भी हल्दी घाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, क्योंकि जहाँ राजा अपने प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधुनिक हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। ऐसे मातृभूमि हमारी मेवाड़ की धारा, ऐसी पवित्र धारा जिसमें हमने जन्म लिया, हम सौभाग्यशाली है क्योंकि हम निश्चित रूप से वनवासी बेहद जंगलों में रहते हैं, बेहद जंगलों में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। निश्चित रूप से मैं आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से कि एक अलग जगाएं, और सबसे मूल मंत्र है हमारा शिक्षा। शिक्षा के ऊपर यदि हम जोर देंगे तो निश्चित रूप से मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। इसलिए मेरा अंत में आप लोगों से आग्रह है कि जन्नत की तलाश तो उन्हें होती है, जन्नत की तलाश तो उन्हें होती है जिन्हें जन्नत की परवाह होती है। मेरी जन्नत तो समाज से शुरू होती है और समाज से समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मोहनलाल जी, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। आपने समाज को एक प्रेरणा दी है, एक मंत्र दिया है। इस समाज को ये मंत्र अगर आप लोग मान लेंगे तो मैं मानता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले समय के लिए आप जो पूजनीय थे।